हाय दोस्तों, आपका होस्ट, आपका दोस्त ब्लैक बॉय कल्लू आज आपका आम का शरबत, कच्चा आम का, जो आग में इसको आग में थोड़ा पानी से उबाल दिए हैं कच्चा आम को, उसका शरबत, कच्चा आम और रसना का शरबत, आइए नींबू इसका शरबत बनेगा और लस्सी बनेगा। पानी और चीनी यहाँ पे तैयार है, ये देखिए पानी और चीनी। अब चलते स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। पहले आम को छिलका उतारना, लस्सी का काम बाद में। पहले आम का छिलका उतार के इसमें, पहले सबसे पहले आप हाथ को साबुन से धो लीजिए, उसके बाद ये काम कीजिए। बहुत फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद है आम, कच्चा आम आपको पता है ये बाड़ी का है। अब छिलका में जितना लगा उतना कर लेते हैं। अच्छा से दम करना है, ये सब काम के लिए हाथ का बहुत जरूरी प्रयोग करना है। तो हाथ के लिए पहले साबुन साफ 2-3 बार धो ले। देख सकते पूरा घुल गया है आम का। अब इसमें रसना डालना है, ये ज्यादा नहीं, एक ही डालिए। कितना प्यारा कलर हो गया आप देख सकते हैं। ले जाइए ये नींबू और उसके बाद नींबू, रसना और कच्चा आम का शरबत मेरा रेडी। कच्चा आम है, रसना है और नींबू है। अब मेरा रसना आपका जाके तैयार हो गया। अब इसको ज्यादा नहीं, आधा घंटा फ्रीजर में रख देंगे। अब फ्रीजर में नहीं रखिएगा तो आप ऐसा कीजिए, आधा बर्फ इसमें डाल दीजिए कि ठंडा हो जाए। कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा कलर लग रहा है। चलिए मेरा रसना तो तैयार हो गया है, अब चलते हैं दही का लस्सी बनाने। दही का लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले दाल घोटने का जरूरत है, फिर दही। अब आप चाहते तो दही इसमें भी लस्सी बना सकते, पर ये दाल घोटने से सही से नहीं घोटा, इसलिए इसमें बनाना पड़ रहा कि सही से घोटा जाए। और जितना आप हाथ से घोटिएगा उतना आपका लस्सी टेस्टी, माइंड ब्लोइंग। एक बार आप भी ट्राई कीजिए। तीन आदमी का लस्सी बन रहा है, चलिए अब इसमें ज्यादा नहीं आपका बर्फ का सिल्ली लेके आते हैं वो डालना है और चीनी डालना है। चलते हैं,
चलते चीनी डालते हैं स्वाद अनुसार। जितना लस्सी को घोटिएगा उतना टेस्ट बढ़ेगा। अब बहुत कोई आज कह लस्सी पीना है, मशीन में पीस दिए हो गया लस्सी तैयार। आ जाओ माय डियर आ गई, बैठो इधर बैठो ने पागल। क्या बन रहा बाबू, देखो क्या बन रहा। आय बोले लस्सी बन रहा गाइस, बोल दो आप भी आके पी लो। यम्मी। इसमें लास्ट में गिलास में डालने के बाद हल्का रुआबजा डाल देना है, ऐसे गिलास में डाल गया ना, हल्का रुआबजा ऐसे ऐसे डाल देना है। रेडी। देखिए जितना इसको घोटिएगा उतना लस्सी में टेस्ट बढ़ेगा। टेस्ट बढ़ेगा, टेस्ट टेस्ट। देखिए जितना घोटिएगा उतना आपका लस्सी में टेस्ट बढ़ेगा। आज देखिए फैन भी निकल रहा है, इसके मतलब टेस्ट लाजवाब, ये मक्खन छोड़ रहा। ठीक है दोस्तों, मेरा लस्सी तैयार हो गया, अब इसको फ्रिज में रख रहे हैं। अब ये लस्सी को हम फ्रिज में जाके रख देते हैं और उसके बाद कांच वाले गिलास में सबको देंगे और उसके बाद ऊपर से रुआबजा हल्का से घुमा के दे देंगे सबको। माइंड ब्लोइंग टेस्ट। इसी तरह लस्सी आप घर में ट्राई कीजिए, इसी तरह से प्यारा सपोर्ट बनाए रखें। आपका होस्ट, आपका दोस्त ब्लैक बॉय कल्लू। फिर मिलेंगे दोस्तों, आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। Love you guys.